हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद अच्छे ही होंगे। देखिए, आज राइटिंग सेक्शन में हमने पीछे क्या क्या पढ़ा दिया आपको। राइटिंग सेक्शन में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। पीछे हमने फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाए थे, लेकिन वो राइटिंग सेक्शन में नहीं होते हैं। फिर भी आज राइटिंग सेक्शन में हम आपको नोटिस बताने जा रहे हैं। नोटिस क्या होता है और नोटिस की एक ऐसी शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि उसको देखते ही, उसको दिमाग में आते ही आप नोटिस लिख देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने की। उसको लिखिए और नोटिस लिख गया आपका। सबसे पहली बात तो नोटिस होता क्या मैं बता दूँगा आपको। नोटिस एक वो माध्यम है जो बहुत ही कम शब्दों में किसी लार्ज ग्रुप को, किसी बहुत ज़्यादा लोग हों उनको बहुत ही कम शब्दों में अपना मैसेज कन्वे कर देना, यही नोटिस कहलाता है। और क्या होता है, और ये जो नोटिस होता है इसको लिखने का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है, एक ट्रिक होती है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो ट्रिक क्या होती है कि यदि हम लिख दें ओ एन डी एच ए, क्या होगा इसका मीनिंग? औंधा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा लेकिन बड़ा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे? अब जब हम शुरुआत करते हैं नोटिस की लिखने की, तो सबसे ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्कूल भी हो सकता है, कोई सोसाइटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका नाम लिखा जाएगा। फिर एक लाइन का हम गैप देते हैं, और जब गैप देंगे तो उसके नीचे क्या लिखेंगे? एन, एन स्टैंड्स फॉर नोटिस, यहां हमने नोटिस लिख दिया। उसके बाद में फिर देखिए डी आ रहा है, लाइन का गैप नहीं बट लेफ्ट साइड में डेट, डी फॉर क्या होता है? डेट, डी फॉर डेट होता है, ठीक है। फिर हेडिंग, एच फॉर क्या होता है? हेडिंग। यहां तक हम आप लिखते हुए चले आए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये सब जो होती हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नोटिस है या हेडिंग है, ये सब ऑल ऑफ दीज आर रिटन इन बोल्ड लेटर्स और इन कैपिटल लेटर्स। इनको सब किस में लिखते हैं? हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, और एक बात मैंने बता दी आपको पहले ही कि वर्ड लिमिट का भी इसमें ध्यान रखना होता है। ये जो नोटिस होता है ये अबाउट 50 वर्ड्स में लिखा जाता है, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा नहीं। एक दो कुछ वर्ड कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब क्या, जब हम लैंग्वेज लिखनी शुरू करेंगे तो क्या होता है, ऑल द स्टूडेंट्स, यदि स्कूल है, कॉलेज है तो स्टूडेंट्स लिख देंगे, और यदि कोई सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ क्या लिख देंगे? पीपल। दोनों का अंतर है। आर हियर बाई इंटीमेटेड, सूचना दी जाती है, इन्फॉर्म किया जाता है दैट, यहाँ पर जो भी इवेंट है, कोई कॉम्पिटिशन है, कुछ भी है, उसका नाम लिख देंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, इन योर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन इज बींग ऑर्गेनाइज, ठीक है, या किसी सोसाइटी में ये पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में इज बींग ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ, कोई भी फेस्टिवल है, मान लो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष में है, रिपब्लिक डे के उपलक्ष में, एनुअल डे के उपलक्ष में, तो जो भी वो फेस्टिवल होगा या फंक्शन होगा उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। एज पर डिटेल्स, और डिटेल हमने नीचे लिख दी, कब, मान लो डेट, कोई भी आप डेट डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, डाल दिया आपने 26/7/20, 20, ठीक है। उसके बाद में टाइम, टाइम डालेंगे आप मान लो 11 AM, सुबह को 11 बजे। वेन्यू, वेन्यू कोई भी सोसाइटी है या स्कूल है तो उसको, जैसे उसका कोई ऑडी होगी, जैसे ऑडिटोरियम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब क्योंकि ये कंपटीशन है मान लो, तो क्या होगा उसमें कंटेस्टेंट भी होंगे, तो क्या होगा, जो भी इंटरेस्टेड होंगे, तो इंटरेस्टेड जो भी होंगे वो दे कैन या दे मे कॉन्टैक्ट अंडर साइंड अथॉरिटी। अंडर साइंड अथॉरिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इस नोटिस को जारी कर रहा है उसका नाम होगा और उसका डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। और ये लिखने के बाद में मान लो
कहा जाता है कि यू आर राम, यू आर रश्मि फ्रॉम योर स्कूल, द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी है उसका नाम हो जाएगा, मान लो नाम है राम, तो राम लिख देंगे यहाँ पर, और डेजिग्नेशन उसका क्या है, मान लो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी लिख देंगे, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके बाद में फिर हम इसको बाउंड्री में बंद करते हैं, क्या करते हैं, बाउंड्री में बंद करते हैं। और देखिए फिर मैं एक बात बता दूं आपकी कि इसकी भी एक मार्किंग स्कीम होती है। मार्किंग स्कीम क्या होती है इसकी, कॉन्टेंट होता है सबसे पहले तो, क्या होता है कॉन्टेंट, वो हेडिंग का आता है इसका, फॉर्मेट का। सबसे पहले जो मार्किंग स्कीम है इसकी, जो मार्किंग स्कीम, वन मार्क का इसमें फॉर्मेट होता है, वन मार्क का कंटेंट होता है, और वन मार्क का होता है एक्सप्रेशन, जो कि ज्यादातर मैंने आपको बताया। तो ये थ्री मार्क्स का आता है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये सब आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। केवल ध्यान किसका रखना है हमको, औंधा, किसका ध्यान रखना है, औंधा ऑर्गेनाइजेशन, एन फॉर नोटिस, डी फॉर डेट, एच फॉर हेडिंग, एंड ए फॉर क्या बताया था हमने, एन अदर स्टाफ, हाँ बाकी चीज़ें, ये जो सब मटेरियल आ रहा है। तो दोस्तों ये नोटिस मैंने आपको बहुत कम शब्दों में और एक ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश की है, और आई थिंक आपने इसको समझा भी होगा, ढंग से ग्रेस्प किया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।